दोस्तों कल जंगकुक के लाइव आने के बाद दुनिया भर की आर्मीज और स्पेशली इंडियन आर्मीज काफी खुश हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जंगकुक के लाइव में सिर्फ और सिर्फ ये खुशखबरी ही नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही बड़ी सैड बात भी थी। और दोस्तों वो बात ये थी कि हमारे जंगकुक ने खुद बताया कि वो कितने ज्यादा परेशान हो चुके हैं आर्मीज और सेसंग फैंस से। यही नहीं बल्कि जंगकुक इमोशनल हो गए थे, आर्मीज रोने लगी थी और जंगकुक ने ये भी बताया कि वो काफी ज्यादा डर चुके हैं। लेकिन दोस्तों पूरी बात जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों अपने लाइफ को खत्म करते टाइम जब जंगकुक काफी ड्रंक हो गए थे, तब उन्होंने अपने दिल की बात आर्मीज से बोलना स्टार्ट किया और जंगकुक ने पहली बार खुलकर हम सभी से अपनी बात कही और उन्होंने बताया कि ये बात अच्छी नहीं है कि लोग उनको हर जगह फॉलो कर रहे हैं। दोस्तों जंगकुक ने बताया कि उन्होंने काफी टाइम बाद आर्मीज को देखा और वो इस बात के लेकर खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये बात सही नहीं है कि इस तरीके से उनके जिम जाते टाइम या फिर उनके घर जाते टाइम आर्मीज या फिर सेसंग फैंस उनको फॉलो करते हैं। दोस्तों जंगकुक ने ये भी बताया कि वो बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए थे क्योंकि वो जैसे ही घर जाने वाले थे और जिम से बाहर निकले, वहां पर काफी सारे लोग थे जो कि उनके लिए पूरे तरीके से स्ट्रेंजर थे और इस वजह से उन्हें काफी ज्यादा डर भी लगने लगा। दोस्तों कुछ देर बाद जंगकुक ने आर्मीज को बोला कि वो जानते हैं कि वो ड्रंक है और उन्होंने आर्मीज को देखने के लिए ही लाइव खोला क्योंकि वो आर्मीज से बात करना चाहते थे, उन्हें मिस कर रहे थे। लेकिन जब आर्मीज इस तरीके से बिना बताए उनके पीछे आ जाती हैं तो वो उन्हें सही नहीं लगता। साथ ही साथ दोस्तों जंगकुक ने ये भी बताया कि आखिर वो आर्मी से ये सब बातें कब करेंगे, अगर वो पहले ये सब बोलते तो शायद बात अलग होती, लेकिन अब आर्मीज और बीटीएस एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं और वो भी एक इंसान है। दोस्तों जंगकुक का कहना था कि वो भी एक इंसान है, आर्मीज भी एक इंसान है और वो उम्मीद करते हैं कि आर्मीज इस बात को समझेंगी। हालांकि दोस्तों जंगकुक की इतनी सारी इमोशनल बातें सुनकर आर्मीज का दिल टूट गया और उन्हें सच में रियलाइज हुआ कि वो बहुत ज्यादा परेशान है। दोस्तों यही नहीं बल्कि जंगकुक ने बताया कि वो सच में डर चुके हैं, उन्हें अपने घर जाने में भी डर लगता है क्योंकि उनके पीछे कोई ना कोई इस तरीके से पड़े रहता है। और दोस्तों ये लाइव देखकर हम सभी को रियलाइज हुआ कि जंगकुक के दिल पे कितना बड़ा प्रेशर है और वो कितनी मुश्किल से अपने दिल की बात हम सभी से शेयर कर रहे होंगे। ऐसे में हम सभी को लगा कि वो लड़की जो कि जंगकुक को इस तरीके से फॉलो कर रही है और उनकी क्लिप्स अपलोड कर रही है, सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। दोस्तों उसी लड़की ने सबसे पहले जंगकुक के जिम की वीडियो को वायरल किया था और उसकी वजह से हमारे जंगकुक ने अपना इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दिया। काफी सारी आर्मीज को तो लगता है कि इसी डर की वजह से जंगकुक ने अपने इंस्टाग्राम को डिलीट किया और सच में वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। ऐसे समय पर हमें उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और इसीलिए आर्मीज ने जंगकुक को एश्योर किया कि अब से ऐसा नहीं होगा, वो इस बात का ख्याल रखेंगी। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि क्या आपने जंगकुक की ये बातें लाइव में सुनी थी या फिर नहीं, और क्या आप उनका साथ देने को तैयार हैं या फिर नहीं। और अगर अभी तक आप हमारे इंस्टाग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं आपसे एक और अमेजिंग वीडियो के साथ।